सुन पा रहे हैं? हाँ, संजय, किस प्रकार देख रहे हैं इस तरह से अनलॉक वन है, चल रहा है और इस दौरान काफी सुपरमार्केट और बाजार खोल दिए गए हैं, इस दौरान आप किस प्रकार से अपने वार्ड में इस प्रकार की आपने तैयारी की है जिससे कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें? सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना भी काफी जरूरी है क्योंकि अभी कोरोना वायरस जो महामारी है वह खत्म नहीं हुई है। जी हाँ, अभी गवर्नमेंट ने लॉकडाउन ओपन किया है, फर्स्ट लॉकडाउन ओपन। तो इसमें अभी शुरुआत में लोगों को लग रहा है कि अभी घर से बाहर पड़ना है, सब खरीदी करना है, और इसके लिए हम लोग ने लोगों को बताया है कि आप जल्दबाजी मत कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए, क्योंकि ये आपके सुविधा के लिए गवर्नमेंट ने किया हुआ है और इसका जो रूल्स एंड रेगुलेशन है हर एक नागरिक को फॉलो करना चाहिए। ये हम लोग ने हमारे कार्यकर्ताओं के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग ने उनको बताया है। ये लॉकडाउन थोड़ा शिथिल करना भी चाहिए क्योंकि एक बाजू से हम लोग कोरोना का सामना कर रहे हैं और दूसरी बाजू से हमारा जो इकोनॉमिक सिस्टम जो है, अर्थचक्र जो है, वो थोड़ा अटक गया है, उसको थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता स्पीड अप लाना चाहिए क्योंकि लोगों के घर में पैसा नहीं आएगा, लोग खाएंगे नहीं, उनको खाने के लिए कुछ मिलेंगे नहीं, तो फिर ये दूसरी महामारी अलग से एक सवाल शासन के सामने खड़ा होता है। लेकिन साथ साथ जनता को ये सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना और सैनिटाइजर लगाना, मास्क लगाना, ये भी काफी जरूरी होगा अगर संजय जी एक तरफ से देखा जाए तो। मैडम कैसा है कि अभी हर एक व्यक्ति, वो गरीब हो या अमीर हो या मिडिल क्लास की हो, उसको खुद को जीने के लिए खुद के डिसिप्लिन जो है वो उसको मेंटेन करना ही चाहिए। प्रशासन, महानगर पालिका, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और सारे सोशल जो एनजीओज है, पॉलिटिकल पार्टीज है, इन्होंने सब लोगों ने बताया क्या करना है, कैसे रहना है। और अगर इसके बावजूद अगर जनता को ये नहीं करना है तो वो दुर्दैव से मैं कहना चाहूंगा कि ये कोरोना के शिकार हो सकते हैं। इसके लिए सबने जो सोशल डिस्टेंसिंग है, घर में आने के बाद में अपने हाथ धोने चाहिए, या अगर अपने कपड़े जो है वो गर्म पानी में डाल करके, डेटॉल उपलब्ध है तो डेटॉल में, नहीं तो आपके जो साबुन का पानी है सर, उसमें डाल के आपको खुद की जो ये है डिसिप्लिन है वो मेंटेन करना ही चाहिए। तो संजय जी, अभी भी जनता के मन में, लोगों के मन में एक डर है या फिर लोग अब बाहर निकल रहे हैं, लोग बाजार में, मार्केट में दिखाई दे रहे हैं? नहीं, लोगों के अंदर डर है, लोग डरे हुए हैं, लेकिन क्या है कि बाहर भी जाना चाहते हैं। 2.5-3 महीना हो गया लॉकडाउन में घर पे बैठ के, तो उनको अभी लग रहा है कि थोड़ा फ्रीडम मिले। इसके लिए आप देख रहे हैं नरीमन पॉइंट में भी बड़े अमीर लोग भी मॉर्निंग वॉक के लिए निकले, यहाँ भी हर एक जगह पे जो मॉर्निंग वॉक करने वाले आम आदमी भी है वो अपने सोसाइटी के अंदर या रोड के ऊपर या मैदान में जाना उन्होंने शुरू किया है। क्योंकि कितने महीनों तक, कितने दिनों तक आदमी अपने घर में बैठ सकते हैं, ये भी एक सवाल है ना। तो ये सोच करके स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये रिलीज दिया है लोगों को कि आप आपका डिसिप्लिन मेंटेन करके कोरोना का सामना करना चाहिए, ये इसके लिए एक वे किया हुआ है। संजय जी, आप किस प्रकार से अभी जरूरतमंद और असहाय लोगों के लिए अभी किस तरह से आपका कार्य जारी है और आप अभी भी वार्ड की जनता, जरूरतमंद लोगों के बीच में अभी भी आप पहुंच रहे हैं? जी, अभी देखिए मेरे वार्ड में एक जो अभी लॉकडाउन हो गया पूरे हिंदुस्तान में 22 मार्च को, उसके बाद में मैंने तुरंत ही 24 तारीख से मेरा पूरा वार्ड, हाउसिंग सोसाइटी और हर गली स्लम का एरिया में सैनिटाइज करने का काम लोगों ने काम किया। तो सैनिटाइजेशन बांटे, मास्क बांटे। आपको बताना चाहूंगा कि इस 3 महीने में मैं और मेरी वाइफ जो है, हमारे एनजीओ के माध्यम से पूरे मुंबई में सुबह और शाम के 11,000 लोगों को हम लोग खाना बांटते थे मुंबई में। आप मेरे वार्ड में तो अलग ही है, मुंबई में पूरे। हाँ, और अच्छा जो 5-स्टार होटल से हम लोग खाना ला करके इन लोगों को देते, उसमें फ्रूट था, जूस था, चावल थे, चपाती थी, पूरी थी। और उसके बावजूद अभी जो जो नीडी पर्सन है, गरीब है, उनको 3,222 लोगों को हम लोगों ने 15-15 किलो का धान का किट दिया हुआ है मेरे वार्ड में। ये करते करते ही साथ में अभी जो पेशेंट आ रहे कोरोना के, उनको बेड उपलब्ध करके देना, उनको और उनके साथ में जो क्वारंटाइन हो रहे लोग, उनको खाना, उनको कुछ मदद करना,
ये काम अभी तक चालू ही है और आगे भी ऐसा ही चालू रहेगा। सिंजी जी, आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, आप हमारे साथ बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे और भी इस तरह से आपके कार्यों पे जानकारी के लिए हम आपसे फिर एक बार जुड़ेंगे फोन लाइन। थैंक यू मैडम, थैंक यू।